नवागत एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जनसुनवाई में जन शिकायतों की समस्या को समय से त्वरित निस्तारण करना अपराध नियंत्रण, अपराध अनावरण और कानून व्यवस्था पहली प्राथमिकता रहेगी। जनपद के सभी अधिकारी और पुलिस बल एक टीम भावना के तहत सकारात्मकता से काम करें, जनता से संवाद स्थापित करके काम करें, जनता के फीडबैक के आधार पर काम करें, अच्छा माहौल बनाकर चलें। मुझे पूरी आशा है कि मीडिया का भी सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि थाने पर जो भी शिकायतकर्ता शिकायत लेकर आता है, चाहे वह जमीन से संबंधित हो, थाना दिवस और तहसील दिवस के माध्यम से प्रभावी कार्रवाई कर ऐसी समस्याओं का निस्तारण किया जा सकता है। पुलिस और फरियादियों के बीच व्यवहार के सवाल पर कहा कि हम यही मैसेज अधिकारी और पुलिसकर्मी को देना चाहते हैं कि सरलता से अच्छा व्यवहार व जनता से समन्वय स्थापित कर उनसे फीडबैक लेकर एक अच्छा माहौल और पुलिसिंग करना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवागत एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जनपद गोरखपुर के एसएसपी के रूप में मेरे द्वारा कल पदभार ग्रहण किया गया है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य और गर्व की बात है कि इस आध्यात्मिक और ऐतिहासिक नगरी में मुझे यहाँ पर सेवा करने का मौका मिल रहा है। जन सुनवाई, जन शिकायतों का समय से त्वरित और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण पुलिस की सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। अपराध नियंत्रण और अपराध अनावरण के साथ साथ कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता रहेगी। गोरखपुर पुलिस के सभी हमारे पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी एक टीम के रूप में काम करें, सकारात्मकता से काम करें, जनता से समन्वय बनाकर के काम करें, जनता की फीडबैक के आधार पर काम करें और एक अच्छा माहौल यहाँ पर बनाएं। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के अच्छे सुझावों से और आप लोगों की फीडबैक के आधार पर हम एक अच्छी पुलिसिंग आने वाले दिनों में यहाँ पर देने का पूरा प्रयास करेंगे और इसमें हम लोगों को जनता का भी सहयोग प्राप्त होगा, इसके लिए मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ। आप सभी लोग यहाँ पर स्वागत में आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, जो भी शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर के आते हैं, चाहे वो जमीन से संबंधित हो या अन्य किसी माध्यम से हो, उसका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो। थाना दिवस और तहसील दिवस दो ऐसे माध्यम हैं जिनको प्रभावी बना करके ऐसे समस्याओं को वहीं के वहीं हल किया जा सकता है और वहीं पर शिकायतों का निस्तारण किया जा सकता है। इन दोनों जो योजनाएं हैं उनको सुदृढ़ करके और इसके अलावा भी राजस्व और पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की समन्वय से इन सभी समस्याओं का हल आने वाले दिनों में करने का पूरा प्रयास किया है। यही मैसेज हम गोरखपुर पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच देना चाहते हैं कि जनता से अच्छा व्यवहार रखें, समन्वय बना करके रखें, अपनी फीडबैक लेते रहें और एक अच्छा माहौल, अच्छी पुलिसिंग करने का पूरा प्रयास। देखिए, अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहन और खराब कार्य करने वालों को दंडित करना, ये नियमतः इसके सभी प्रावधान नियम में अंकित किए गए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाती है। जो भी आदेश निर्देश दिए जाते हैं उसका अक्षर से पालन सभी स्तरों पर किया जाए, इसको सुनिश्चित। आदेश का कंप्लायंस करना सभी की जिम्मेदारी है और उस आदेश का पालन शत प्रतिशत हो, इसको सुनिश्चित किया जाए।